पूरी काली बिल्ली की तरह लग रही हूँ। हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, मेरे शूट चल रहे थे और ब्राइडल सीजन भी था, तो अभी फिलहाल वो खत्म हो चुका है। अभी मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक स्किन केयर वीडियो बना रही हूँ, और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप ये बताइए कि मेरा जो पीछे का वॉल है वो कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये जो वॉल है ये मैंने DIY करके बनाया है, मतलब टोटली मैंने अपने हाथ से इसको क्रिएट किया है। आप लोगों ने पहले मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे सारे कुछ ब्लू बैकग्राउंड्स के थे और कुछ व्हाइट बैकग्राउंड्स के थे। ऐसा कुछ कभी नहीं था मेरे बैकग्राउंड में। तो ये जो बैकग्राउंड है ये नया मैंने खुद से बनाया है। तो ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको ये कैसा लग रहा है आप कमेंट में मुझे बताइए कि मेरा जो पीछे का वॉल है वो कैसा लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए टॉपिक पे जाते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है ये वाव स्किन साइंस का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। तो आज मैं इसको रिव्यू करूंगी और मैं इसको यूज करके दिखाऊंगी टोटल, मतलब इसको कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, फिर टोटल आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और बगल में जो बेल आइकन है आप उसको भी टैप कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्या होता है, वीडियो तो अपलोड हो जाता है लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप बगल में जो बेल आइकन है उसको आप टैप करके रखेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और तभी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इसके पैकेजिंग की बात करेंगे। ये ऐसे एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जिसके अंदर आपको ऐसे 100 ml का ट्यूब मिल जाएगा, और इसका प्राइस है 399, जिसके साथ एक स्पैचुला भी आपको मिलता है। तो अगर आप इसको खरीदते हैं तो ये आपको नायका में मिल जाएगा। मैंने इसको नायका से परचेस किया है, और आप भी इसको नायका से परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। पर्पल में भी शायद अभी अवेलेबल हो गया है, मिलता होगा, मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको नायका से लिया, आप इसको नायका से इजिली परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 399 में आपको 100 ml का प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि मतलब क्वांटिटी लगभग ठीक ही है। और ये एक पील ऑफ मास्क है, चारकोल बंबू चारकोल पील ऑफ मास्क है। इसमें है एक्टिवेटेड बंबू चारकोल एंड एलोवेरा एग्जैक्ट। बंबू चारकोल भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और एलोवेरा एग्जैक्ट भी, हमारे एलोवेरा तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसमें लिखा है नो पैराबेंस एंड मिनरल ऑयल, मतलब इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, तो ये हमारे स्किन के लिए एकदम फुली सेफ है। आप बेझिझक इसको अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं, मतलब इसको यूज करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें कोई इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, आपको इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा है इट्स हेल्प डिटॉक्सिफाई स्किन, रिमूव ब्लैक हेड्स, रिड्यूस एजिंग साइंस, मतलब ये आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, और अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपके एंटी एजिंग को भी रिड्यूस करता है। मतलब अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो ये एज ए एंटी एजिंग भी काम करेगा। तो इसका ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं इनका। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बंबू चारकोल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो इसमें और भी बहुत से अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें लिखा है हेयर्स हाउ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हेल्प, मतलब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे आपको स्किन में हेल्प करेंगे। तो इट्स रिमूव इम्प्योरिटीज एंड डेड स्किन सेल्स, मतलब ये आपके स्किन में जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करेंगे, आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेंगे, आपके ब्लैक हेड्स को मिनिमाइज करेंगे, रिफाइन पोर साइज, मतलब आपके जो पोर साइज है उसको रिफाइन करेंगे, बैलेंस ऑयल प्रोडक्शन फॉर नेचुरल रेडियंस ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन, मतलब आप अगर इसको यूज करेंगे तो आपके ऑयल को बैलेंस करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करेगा, आपके स्किन टोन को इवन आउट करेगा, लॉक द मॉइस्चर, मतलब आपके स्किन का जो मॉइस्चर है उसको लॉक करेगा, और गिव
एंटी एजिंग केयर, मतलब आपके स्किन को एंटी एजिंग केयर करेगा। तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। काम करता है भी नहीं, कम करता है भी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसके जितने पहले ट्यूटोरियल्स देखे हैं, यूट्यूबर्स ने जितने भी मतलब किए हैं इसके रिव्यूज में, मैं उन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू किया है, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। तो इसमें लिखा है हाउ टू यूज क्लींज योर फेस, अप्लाई ए थिन एंड इवन लेयर ऑफ द फेस मास्क ऑल ओवर योर फेस एक्सेप्ट अराउंड आईज एंड ऑन लिप्स, लीव ऑन द ड्राई फॉर 15 to 30 minutes और एज रिक्वायर्ड, मतलब ये जब तक सूख, इसमें लिखा है 15 to 30 minutes तक आप इसको अपने फेस पे लगा के छोड़ दीजिए, अगर ये जब तक एकदम सूख ना जाए। अगर 30 मिनट के बाद भी आप देख रहे हैं कि ये नहीं सूखा है तो आप इसको रख सकते हैं, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए, टाइट ना हो जाए, तब तक आप इसको फेस पे लगाए रहिए। वंस द फेस मास्क इज फुली ड्राई एंड टाइट, मतलब मैंने जो बोला यहाँ पे भी वही लिखा है, स्टार्ट पीलिंग फ्रॉम बॉटम अपवर्ड्स टिल द एंटायर मास्क इज रिमूव, मतलब आपको नीचे से इसको पील ऑफ करना है, ऊपर से नहीं करना है, इसको नीचे से पील ऑफ करना है। यूज दिस वंस ए वीक टू कीप स्किन फ्रेश एंड क्लीन, आपको इसको, इसमें इन्होंने लिखा आप इसको वीक में वन बार यूज कर सकते हैं आपके स्किन को फ्रेश एंड क्लीन रखने के लिए। तो चलिए अब हम इसको यूज करके देखेंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ यूज करने के लिए, चारकोल मास्क यूज करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे टॉवल को वार्म वाटर में डिप करके मैं थोड़ा सा अपनी स्किन पे डैप अप कर लूंगी, जिससे मेरे पोर्स ओपन हो जाएंगे। अब मैं यूज करूंगी ये चारकोल मास्क, यहाँ पे स्पैचुला भी है, लेकिन मैं स्पैचुला से नहीं यूज करूंगी, मैं डायरेक्ट हाथ से ही यूज करूंगी। स्मेल बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका स्मेल, इसे मतलब एकदम फ्रेश सा स्मेल है, अच्छा लगा मुझे। मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरे फेस पे एक अच्छे से लेयर मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, पूरी काली बिल्ली की तरह लग रही हूँ कि भूतनी की तरह लग रही हूँ, शाकचुन्नी की तरह लग रही हूँ। शाकचुन्नी तो ग्रीन होती है, ये ब्लैक वाली शाकचुन्नी है। तो इसको लगाने के बाद आपको हंसना नहीं है, इसको जस्ट ऐसे मुंह फुला के बैठे रहना है, इसको सूखने देना है। तो अभी मैं 30 मिनट तक वेट करूंगी, इसके बाद आके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, इसको कैसे पील ऑफ करेंगे और पील ऑफ करने के बाद मेरा फेस कैसे लगेगा, मैं फिर दिखाऊंगी। ओके, तो अब देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूख चुका है और ये बहुत ही मतलब खींच भी रहा है, तो अभी मैं इसको पील ऑफ करूंगी, इसको नीचे से पील ऑफ करना है ऐसे। ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, ये आप देख सकते हैं मेरा फेस। तो अभी देखते हैं इसमें ब्लैक हेड्स निकला है कि नहीं, एक्चुअली मेरे ज़्यादा ब्लैक हेड्स थे नहीं, मेरे वाइट हेड्स थे, तो हाँ इसमें थोड़े थोड़े वाइट हेड्स निकले हैं, पता नहीं ये कैमरा में क्लियर दिखेगा भी या नहीं। तो
तो ये काम करता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, मुझे बहुत ही ये अच्छा लगा, मतलब इसको निकालते हुए बहुत अच्छा लगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको जब निकालते हैं पील ऑफ मास्क तो ये बहुत मतलब दर्द होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने किसी किसी वीडियो में किसी किसी यूट्यूबर को तो ऐसे भी देखा कि वो लिटरली रो देते हैं, चिल्लाते हैं इसको पील ऑफ करते वक्त। लेकिन नहीं, मतलब मुझे इसको निकालते वक्त आपने तो देखा सामने, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने बहुत ही आराम से इसको निकाल दिया। और ये मतलब इतना सेटिस्फाइंग है, इतने अच्छे से, ये देखिए मेरा फेस इतना अच्छे से ये निकल गया है। तो और मुझे बहुत फ्रेश सी फीलिंग हो रही है और मेरा फेस ग्लो भी कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बालों के पास लगा है जो मैं निकाल दूंगी ऐसे। ओके तो मुझे ये पील ऑफ मार्क्स बहुत अच्छा लगा। ये मेरे स्किन पे मतलब वाइट हेड्स रिमूव करने का काम ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा नहीं लगा कि जैसे इसमें लिखा था कि ये आपके ब्लैक हेड्स को वाइट हेड्स को रिमूव कर देगा, वैसा तो मुझ मतलब मेरे ज़्यादा ब्लैक हेड्स है नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा वाइट हेड्स है, तो वो मुझे मतलब निकला है यहाँ से, थोड़ा सा वाइट हेड्स दिख रहा है कि जो निकला है वहाँ पे। तो कुछ हो ना हो उसका जो पील ऑफ वाला सिस्टम था वो मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, ये कोई हार्मफुल है नहीं, और जैसे पील ऑफ करते वक्त कोई दर्द वर्द भी नहीं होता है और अच्छे से पील ऑफ भी हो जाता है, और ये 30 मिनट के अंदर सूख भी जाता है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।